सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आज अपना जीके मास्टर क्लास का थर्ड पार्ट है सो प्रीवियस टू पार्ट अगर आपने नहीं देखे हो तो डेफिनेटली उनको देखना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें अपन ने सॉल्व करे क्लियर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्लासार्ट uh, करने से पहले प्रीवियस क्लास के अंदर दो क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू आपका पता पड़ा है कि मिस्टेक्स थी इसमें so, मिस्टेक सो चलिए उन मिस्टेक्स को पहले सही करते हैं है नाइन्थ क्वेश्चन था सेकंड पार्ट के अंदर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट था द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ फाइव मेंबर बॉडी यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन स्केड्यूल थर्ड था इलेक्शन कमीशन रिजोल्व द डिस्प्यूट सो इसमें ऑप्शन नंबर ओनली थर्ड अपना करेक्ट था जो फर्स्ट था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिक्स मेंबर बॉडी है पर एक्चुअल में थ्री मेंबर बॉडी है वहां पे टाइपिंग एरर के कारण मिस्टेक हो गया था ये थ्री मेंबर बॉडी है क्लियर <coughs> और जो सेकेंड पॉइंट था इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है ना कि यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स क्लियर तो ये आप करेक्ट करेक्शन करिएगा डेफिनेटली ये इशू हुआ था लास्ट क्लास के अंदर एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर चारों ऑप्शन ही करेक्ट थे टाइपिंग uh, एरर था ये भी तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन नंबर डी या तो आप नन ऑफ द अबव ले सकते हैं इसमें चारों ऑप्शन जो आंसर में आए थे वो चारों ही करेक्ट ऑप्शन है क्लियर तो ये दो क्वेश्चन में मिस्टेक थी लास्ट पार्ट के अंदर तो चलिए आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना जो कि है आदित्य एलवन इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और नॉलेज गेन करते हैं हैं सबसे सबसे पहले so, यहाँ पे सब पहले सो पे अपन देख सकते फर्स्ट मिशन था आदित्य एलवन अपना सन को ऑब्जर्व करने के लिए क्लियर पी एस एलवी फिफ्टी सेवन पी एस एलवी सी फिफ्टी सेवन के थ्रू लॉन्च किया गया है क्लियर अब ये कहाँ पे पोजिशन किया गया एलवन पॉइंट के ऊपर पोजिशन किया गया है इसके अलावा इसका एम क्या था अंडरस्टैंड कोरोनल हीटिंग सोलर फ्लेयर्स एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डी के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी इन्फॉर्मेशन मेन यही थी uh, कितने डे की जर्नी थी 110 डेज की जर्नी थी 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे था अर्थ से पॉइंट क्लियर चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपको बता रखा है लैंग्रेज पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं कैसे होते हैं उसके बारे में आपको सारी नॉलेज पीडीएफ में मिल जाएगी व्हाट इज सन्स इसके बाद एक्सप्लेन कर रखा है उसके बाद जो पेलोड गए थे आदित्य एलवन के साथ वो सारे पेलोड्स के बारे में भी पे इन्फॉर्मेशन है सो so, अपना मेन टारगेट है पे क्वेश्चन को सॉल्व करना ना कि ज्यादा टाइम इंफॉर्मेशन समझने के अंदर लगाना तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो यहां पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आदित्य एलवन मिशन विल ऑब्जर्व आदित्य एलवन मिशन जो है वो क्या ऑब्जर्व करेगा अपन को बताना है फोटोस्फेयर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन और ऑप्शन ऑल ऑफ द अबाव तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबाव सारी चीजें जो है आदित्य एलवन मिशन ऑब्जर्व करेगा ऑल ऑफ द अबाउ क्लियर चलिए इसका आंसर देखते हैं द स्पेस क्राफ्ट पेलोड की इन्फॉर्मेशन दे रखी इंपॉर्टेंट है रिमेंबर करने के लिए टू ऑब्जर्व द फोटोस्फेर क्रमोस्फेर एंड ऑटोमोस लेयर ऑफ द सन जिसको कोरोना कहते हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ लॉन्ग द विल द्राफ्ट अंडर द आदित्य एलवन मिशन कितनी हाउ लॉन्ग द स्पेस क्राफ्ट कितनी दूरी तक वो ट्रैवल करेगा स्पेस क्राफ्ट अंडर द आदित्य एलवन मिशन तो पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्टिंग में फैक्ट्स के अंदर अपन ने देखा था वन पॉइंट फाइव मिलियन किलोमीटर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉट इज द लॉन्च डेट फॉर द आदित्य एलवन मिशन आदित्य एलवन मिशन जो था कब लॉन्च हुआ था क्या डेट थी उसकी लॉन्च की ट्वेंटी सेकंड से क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी आर राइट आंसर इसरो ने अनाउंस करा था मंडे को दैट आदित्य एलवन मिशन विल टेक प्लेस एट इलेवन फिफ्टी ए एम ऑन सेप्टेम्बर सेकेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच रॉकेट इज यूज इन आदित्य एलवन मिशन अब कौन सा रॉकेट यूज करा है यह भी अपने स्टार्टिंग में देखा था फैक्ट्स के अंदर तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर राइट आंसर पी एस एलवी सी फिफ्टी सेवन रॉकेट यूज करा गया था आदित्य एलवन मिशन के अंदर अब यहाँ पे फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे पी एस एल वी का फुल फॉर्म क्या होगा पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है फुल फॉर्म से रिलेटेड की एल किसके लिए स्टैंड कर रहा है या फिर बी किसके लिए स्टैंड कर रहा है क्लियर जैसे पी एस एल वी होता है वैसे ही जीएसएल होता है क्लियर तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्लियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं उसका बजट क्या था को ये बताना है ऑप्शन नंबर ए विल बी आ राइट आंसर इट इज फाइव पॉइंट फाइव करोड़ यूएस जी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आदित्य एलवन विल कैरी कितने पेलोड आदित्य एलवन कैरी करेगा ये जस्ट अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर नीचे एक्सप्लेनेशन में देखा था कितने पेलोड थे पेलोड थे सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर अब जो सेवन पेलोड थे जैसे अपन ने चंद्रयान थ्री के बारे में देखा था कि हर पेलोड की फुल फॉर्म आ सकती है <coughs> तो आपको यहाँ पे भी जो सेवन पेलोड्स थे उनकी पेलोड्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी कोई किसी की फुल फॉर्म हो तो अच्छे से याद करना क्लियर <coughs> सारे पेलोड्स की इंफॉर्मेशन जो है आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी स्टार्टिंग के अंदर थे सारे क्लियर हाउ मच टाइम आदित्य एलवन विल टेक टू रीच दिना टाइम लगाएगा आदित्य एलवन सन को रीच करने के अंदर और फाइव तो चारों ऑप्शन में से अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर मंथस विल आदित्य एलवन टेक टू रीच द सन क्लियर एट्थ क्वेश्चन देखते हैं आदित्य एलवन विल बी लॉन्च फ्रॉम आदित्य एलवन जो रॉकेट है वो कहाँ से लॉन्च होगा क्लियर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से अपना कहाँ सा लॉन्च हो गए ऑप्शन नंबर डी श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर क्लियर द लॉन्च विल टेक प्लेस एट इलेवन फिफ्टी ए एम इंपोर्टेंट है टाइमिंग भी फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको बताया था तो जैसे पीएसएलवी इंपॉर्टेंट है वैसे जीएसएलवी भी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे देखो पी एस एल वी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी एस एल वी तो अभी जस्ट अपन ने देखा था ऑप्शन नंबर ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहां पे मैंने जीएसएल का भी फुल फॉर्म आपको प्रोवाइड करा है तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज आदित्य एलवन स्पीड पर आवर आदित्य एलवन जो अपना लॉन्च हुआ उसकी स्पीड क्या थी पर आवर अपन को ये बताना है सो ऑप्शन नंबर सी विल बी आ राइट आंसर दिस इज 500 किलोमीटर पर आवर क्लियर आदित्य सपोज टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट फाइव किलोमीटर स्टार्टिंग में देखा था इन वन ट्वेंटी फाइव डेज अगेन एक और इन्फॉर्मेशन टू रीच द एलवन पॉइंट कौन से पॉइंट पे जा रहा है एलवन पॉइंट स्पीड क्या होगी फाइव हंड्रेड किलोमीटर पर आवर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है सो so, क्वेश्चन के एमसीक्यू के अलावा भी जो एक्सप्लेनेशन के अंदर गेवन है वो भी आपको अच्छे से समझना है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आदित्य एलवन मिशन डायरेक्टर यहाँ पे आदित्य एलवन जो था उसका मिशन डायरेक्टर कौन थे आप उनको बताना है सो so आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लियर आपको अच्छे से पता होना चाहिए चंद्रयान थ्री के मिशन डायरेक्टर और कंफ्यूजन ना हो तो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना उसको भी क्लियर फ्रॉम विच कोर्स डेड द पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल पी एस एल वी मेजेस्टिकली सो ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ आदित्य एलवन तो कौन सा कोर्स था वो अपन को बताना है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ईस्टर्न कोर्स था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड टू द सन अब कौन सी फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड के अंदर जिसने फर्स्ट टाइम सेटेलाइट सेंड करी थी सन के ऊपर सो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए फर्स्ट कंट्री थी जिसने सेटेलाइट सेंड करी थी सन के ऊपर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर इज आदित्यस आदित्य एलवन एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस इन ऑर्बिट अराउंड्य एलवन जो उसको कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलवन पॉइंट था लैंग्वेज पॉइंट एलवन क्लियर सो यहाँ पे अपने आदित्य एलवन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा जो कि बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है इंडिया कैनेडा रिलेशन क्लियर तो इस टॉपिक के ऊपर अपन थोड़े से फैक्ट देखते फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब ये इशू क्या हुआ था अभी जस्ट खलिस्तान एक्सट्रीमिस्ट जो थे एंड सिख लीडर जो हरदीप सिंह निज्जर थे वो उनकी उनको किल कर दिया गया था इन जून 2023 आउटसाइड थ्री सिख दिख क्लियर और ये जो किलिंग हुई थी उसके अंदर कैनेडियन जो पार्लियामेंट था उसने इंडियन गवर्नमेंट को अक्यूज करा था और इंडियन गवर्नमेंट ने यह सब डिनाई करा था कि हमारे थ्रू ये सब नहीं हुआ तो उस बेसिस के ऊपर सारे इश्यू क्रिएट हुए थे पूरा इशू जो आपको यहाँ पे मैंशन है बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पे आपको मेंशन मैं तो क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं अपन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपना इंडिया स्टैब्लिश डिप्लोमैटिक रिलेशन विध कैनेडा एंड ईयर सो इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन फर्स्ट टाइम कैनेडा के साथ कौन से ईयर के अंदर स्टार्ट करे थे इज इट और क्या आंसर हो सकता है इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी आर राइट आंसर 1947 के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने स्टार्ट हुए थे कनाडा के साथ क्लियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली नोट डाउन कीजिएगा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज कैरिड आउट बाई इंडियन आर्मी इन ऑर्डर टू कैप्चर सिख लीडर एंड हिज ग्रुप ऑफ सपोर्टर्स एट द हरमंदिर साहेब टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑल्सो नोन एज गोल्डन टेम्पल अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गोल्डन टेम्पल को किस नाम से जाना जाता था क्लियर तो so, एक क्वेश्चन अपना डायरेक्टली क्वेश्चन से ही फ्रेम आउट हो गया इन अमृतसर इन पंजाब इन विच ईयर ऑपरेशन ब्लू स्टार कैरेट ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन से ईयर के अंदर हुआ था 1985 में हुआ था 1980, 1984 और 1982। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी अ राइट आंसर 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था क्लियर पर इन्फॉर्मेशन अच्छी है यहाँ पे गोल्डन टेंपल को किस नेम से जाना जाता था क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच ईयर सिंह साहेब मूवमेंट एस अब यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है वॉज फाउंडेड इन अमृतसर कौन सी ईयर के अंदर सिंह साहेब मूवमेंट फाउंड हुआ था अमृतसर के अंदर तो पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1873 के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था क्लियर सिंह साहेब मूवमेंट फुल फॉर्म के ऊपर ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट हो जाती क्लियर? है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार हैज बीन ऑपरेशनलाइज इन डैश सब कॉम्पोन मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था वो कितने सब कॉम्पोनेट्स के अंदर हुआ था इज इट टू सेवन फाइव और थ्री तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थ्री सॉरी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नॉट थ्री टू सब कंपोनेंट्स के अंदर हुआ था ऑपरेशन मेटल एंड ऑपरेशन शॉप क्लियर दो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा क्लियर टू सब कंपोनेंट्स थे क्लियर ऑपरेशन मेटल एंड ऑपरेशन शॉप तो ये जो एक्सप्लेनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप याद कीजिएगा कि ऑपरेशन मेटल क्या था ऑपरेशन शॉप क्या था क्लियर एम इंदिरा गांधी वॉज अटेड इन विच ईयर पी एम इंदिरा गांधी जो थे वो कौन से अंदर हुआ था उनका नेक्स्ट so, क्वेश्चन right देखते हैं हरदीप सिंह निज्जर वॉज द चीफ ऑफ विच फोर्स हरदीप सिंह निज्जर जिनकी अभी डेथ हुई थी जिसके कारण पूरा इशू हुआ था वो कौन सी फोर्स के चीफ थे खलिस्तान टाइगर फोर्स सिख फोर्स खालसा फोर्स और खलिस्तान फोर्स क्लियर तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आ राइट आंसर खालिस्तान टाइगर फोर्स के वो चीफ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉट इज द कैपिटल ऑफ कैनेडा कैनेडा की कैपिटल क्या एकदम स्टैटिक क्वेश्चन आ गया अभी की टॉपिक से रिलेटेड सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं व्हाट इज द करेंसी ऑफ कैनेडा कैनेडियन डॉलर है यूरो है पाउंड ली है लीरा है सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर इन दिस केस ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन है एकदम कैनेडा इंडिया टॉपिक से रिलेटेड सो कैनेडियन डॉलर जो है वो करेंसी है कैनेडा की वट इज द की एरिया ऑफ कॉपरेशन अंडर द इंडिया कैनेडा सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट तो की एरिया कौन सा था कॉपरेशन का इसके अंदर इंडिया कैनेडा सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर राइट आंसर यहाँ पे आपको सारी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी हुई आप रीड कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वर द कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट

कौन तो से कल्चरल एस्पेक्ट हैं इन ऑप्शन के अंदर से जो कि इंडिया और कैनेडा को लिंक करते हैं <coughs> तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट इंडियन डायस्पोरा इन कैनेडा ऑप्शन नंबर बी विल बी आर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच कैनेडियन प्रोविंस इंडिया इंडियन एमिग्रेंट तो कैनेडा की कौन सी प्रोविंस है जिसके अंदर इंडिया के इमिग्रेंट सबसे ज्यादा है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर राइट आंसर ऑन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडिया एंड कैनेडा कोलेबरेटेड इन विच ऑफ देशनल फॉरम्स इनमें से कौन सा इंटरनेशनल फॉरम्स के कोलॉबोरेशन करा था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच एरिया इज अ रिसेंट पॉइंट ऑफेंट कंटेंशन इन इंडिया एंड कैनेडा रिलेशन तो रिसेंट पॉइंट के अंदर अभी जो टेंशन चल रहा है कौन सा पॉइंट है ऑप्शन नंबर डी विल बी आर राइट आंसर कॉमेंट ऑन द इंटरनल पॉलिटिकल इश्यू क्लियर तो so, यहाँ पे सेकंड टॉपिक भी अपना फिनिश हो जाता है जो कि इंडिया कनाडा इशू था फर्स्ट टॉपिक अपन ने लिया था आदित्य एलवन का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते थे इंपॉर्टेंट जो आपके क्लेट एक्सप्रेस में नहीं है और उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो सारे अपन ने डिस्कस करे क्लियर तो थर्ड टॉपिक अपना यहाँ पे आता है वर्ल्ड एथेलिक चैंपियनशिप हुई थी बुडापेस्ट के अंदर ट्वेंटी उसके ऊपर अपन थोड़ी सी बात करते हैं सो ये कहाँ पे हुई थी बुडापेस्ट के अंदर हुई थी जो कि कैपिटल है हंगरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हंगरी की कैपिटल कौन सी है थ एडिशन था ये क्लियर सेकेंड पॉइंट देखते ये स्टार्ट कब हुआ था नाइनटीन ऑगस्ट को स्टार्ट हुआ था और कंक्लूड कब हुआ था ट्वेंटी सेवन ऑगस्ट को हुआ था जितने भी फैक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट हो जाती है <coughs> उसके अलावा कैपेसिटी कितनी थी थर्टी सिक्स थाउजेंड क्लियर इसका ऑफिशियल मैस्कॉट कौन था यूहू इंपॉर्टेंट है क्लियर मैस्कॉट का नाम हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट अपन देखते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगी क्वेश्चन <coughs> के ऊपर आते हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप तो कौन से इंडियन को मिला है गोल्ड मेडल सो इज ए नीरज चोपड़ा डीपी मनु रोहित यादव और किशोर जीना सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आ राइट आंसर नीरज चोपड़ा क्लियर हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी हंगरी का करंट प्रेसिडेंट कौन है

बिलोंग फ्रॉम विच कंट्री अब ये जब पर्सन है इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है फोर हंड्रेड मीटर हर्डल्स के अंदर ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता बहुत सी बार कंट्री पूछ ली जाती है ऑप्शन ए विलइट नॉर्वे से बिलोंग करते हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वट वॉज द मोटो ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मोटो क्या था इसका ऑप्शन नंबर डी विटनेस दंडर क्लियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

ट्वेंटी ट्वेंटी होगी अपन से ही पूछा गया चैंपियनशिप इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अभी कौन सी कंट्री जिसने सबसे ज्यादा मेडल्स अचीव करे ऑप्शन नंबर ए विल बी अराइट आंसर यूएसए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडिया इज रैंक विच पोजिशन इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इन तो इंडिया ने इस सीरीज के अंदर जो नाइनटीन एडिशन हुआ था उसके अंदर टोटल कितने मेडल लिए उसके कारण उसकी रैंक क्या अपन को ये पूछा है सिक्सटीन रैंक पे आया इंडिया एटीन पे आया 17 और नाइनटीन तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आर राइट आंसर इंडिया जो है मेडल टैली के अंदर एटीन रैंक के ऊपर है क्लियर वट वॉजिंग थ्रो डिस्टेंस ऑफ जैवलिन ऑफ नीरज चोप्रा इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल सो जैवलिन थ्रो जो अपने नीरज चोप्रा जी ने किया था उसका टोटल डिस्टेंस पूछा गया अपन से यहाँ पे सो ऑप्शन नंबर ए विल बी अ राइट आंसर एटी एट पॉइंट सेवनटीन मीटर क्लियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद कीजिएगा ऑप्शन बहुत सी बार बहुत क्लोज दे दिए जाते हैं एटी एट पॉइंट वन फाइव भी दे सकते हैं आपको साथ में ऑप्शन में तो पॉइंट के बाद की डिजिट भी आपको याद करना इंपॉर्टेंट है क्लियर नेक्स्ट <laughs> क्वेश्चन देखते हैं न्यू रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड ऑफ इतने सेकेंड इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी गॉड सेलेक्टेड फॉर अपकमिंग पैरिस ओलंपिक्स तो किन्होंने ने ब्रोक करा है ऑप्शन नंबर सी पारुल चौधरी ने ब्रोक करा है रिकॉर्ड क्लियर ये जो टाइमिंग दे रखा है टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है पे क्लियर और किसका ब्रोक करा है ललिता का ब्रोक कर रहा है, सो ये भी है। एक ही क्वेश्चन में हाउ मेनी इंडिया हैव इन टोटल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो इंडिया के कितने एथलीट्स गए थे वहां पे ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी सेवन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो so, यहाँ पे अपने टॉपिक्स जो भी था वर्ल्ड एथलेटिक्स 2023 से फिनिश हो गए नेक्स्ट टॉपिक अपना स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट अभी जस्ट हेल्ड हुआ था इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसके अंदर जो डिसीजंस लिए गए जिनके ऊपर बात करी गई है उसके बारे में देखते हैं कब हुआ था ये? 18 सितंबर 2023 एंड 18 एंड 22 सितंबर 2023 को हुआ था <coughs> उसके बाद 18... <coughs> जो ये टॉपिक अपन ने लिस्ट करे उनके ऊपर बात की गई थी फाइव टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बात हुई थी सारे आपको है यहाँ पे क्लियर सेंट्रल आइडिया क्या था स्पेशल सेशन का स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का ओवरव्यू प्रोसेस प्रोसीजर क्या होता है कॉलिंग का ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है या आप पीडीएफ के थ्रू रीड कर सकते हैं क्लियर uh, दो टाइप के सेशन होते हैं एक स्पेशल सेशन होता है विद डिबेट्स एंड मिडनाइट सेशन होता है एक तो उस कब कब कौन से सेशन हुए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मेंशन है कौन से ईयर के अंदर हुए किस टॉपिक से रिलेटेड हुए ये भी मेंशन है क्लियर सो so, ये सब पीडीएफ के थ्रू आप रीड आउट कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट हैज द दिटी टू कन्वे अ स्पेशल सेटिंग ऑफ द हाउस इफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड सो अंडर कौन, कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को राइट right होता है ये पूछा गया है सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आर राइट आंसर आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड एन पार्लियामेंट इज नॉट इन से प्रेसिडेंट टू कन्वेल मीटिंग टू डिस इमरजेंसी सो कितने प्रेसिडेंट टू कन्वे अलटिंग टू डिस इमरजेंसी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल स्टेट

72 के अंदर ये सारी आपको इसके अंदर है मैंने अभी इस स्टार्टिंग में आपको बताया था ट्वेंटी फाइव क्लियर तो इसको अच्छे से रीड आउट करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन को भी आप आंसर कर पाओगे ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन फिफ्टीन ऑगस्ट ये भी अला भी हो गया था नाइनटीन सेवनटी टू था इसका आंसर

मोदी गवर्नमेंट कॉल फॉर जॉइंट मिड नाइट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज टू रोल आउट डैश कॉलिंग एट द बिगेस्ट इन डायरेक्ट रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंट तो कौन सी चीज के लिए मीटिंग uh, हुई थी इज इट फॉर जीएसटी डी टी सी सर्विस टैक्स और वाइट के लिए सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आ राइट आंसर रोल आउट फॉर जीएसटी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेफर टू अलटिंग ऑफ द हाउस

सो ऑप्शन नंबर ए विल बी अ राइट आंसर 1996 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ साइमटेनियस इलेक्शन एज रेफर टू इन द इंफॉर्मेशन तो स्कोप क्या होता है मतलब इसका क्या मेन एम है इज इट ऑप्शन ए बी सी और डी चलिए चेक करते हैं इलेक्शन कंडक्टेड ऑन द सेम डे अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज नो इलेक्शन हेल्ड साइमटेनियसली लोकसभा राज्यसभा नो

तो कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को एट द सेंट्रल लेवल गवर्न करता है सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर राइट आंसर आर्टिकल सेवेंटी फोर एंड आर्टिकल सेवेंटी फाइव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल क्लियर सो यहां पे अपने चारों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे अपन ने सोल्व सो so, इनके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन से टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं क्योंकि आपका रिस्पांस इतना अच्छा आ नहीं रहा तो मैं सोच रहा हूँ इस सीरीज को ड्रॉप कर दूं यहाँ पे तो आप डेफिनेटली बताइए कि कंटिन्यू करनी है या फिर यही पे इसको फिनिश कर दिया जाए क्लियर